भुवनेश्वर चलता जि ट्वेंटी सम्मेलन में आकर्षण केन्द्रबिंदु पलटि फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी थ्री डी प्रकल्प भविष्य में आम घंटा प्रति 1100 किलोमीटर बेगरे ट्रेन रे यात्रा करमती किसी जमापड़ी स्टल्रु मोटामोटी कह गले गमनागमन आम पूर्व कौन व्यवहार करुले एवं कौन करुँ और भविष्य में केमी आउ जानवाहन जावास करवा सर्विसेस सूचना दि जा एने अधिक सूचना रखुच्च प्रतिनिधि द्युति कृष्ण पही फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी केमी रमें केमी जावास करमी करगू केमी करवाकू स्टल पड़ी ए स्टल रु पूरा आमर पास्ट प्रेजेंट एवं फ्यूचर स्थान दि जाए लोक बुझा जाने आसुँच प्रकृत में केमी सेमती से ट्रावेल करेंगे हमें थोड़ा बताइए आपका परिचय दीजिए और ये क्या है हमारे जो दर्शक है उनको थोड़ा समझाइए। मैं रवि कुमार हूँ। हम इसमें एक छोटा सा समझाने की कोशिश किया है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका है और अभी क्या हो रहा है और आगे होने वाला क्या है। तो ये हम पास्ट में ट्रैवल करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे वो इसमें दिखा रहा है। पास्ट में हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इसके थ्रू ट्रैवल करते थे और अब रिसेंटली हम सीएनजी फ्यूलिंग पेट्रोलिंग से इसके थ्रू ट्रैवल करते थे। अब और भी ज़्यादा हाइपर हो गया है। अब हम पेट्रोल सीएनजी से आगे बढ़ के बैटरी पे आ गए हैं। हम घर पे भी अपनी कार लगा के उसकी बैटरी निकाल के चार्ज करके गाड़ी में लगा सकते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। अब ये प्रेजेंट की बात है, हमारी प्रेजेंट में ही आ गया है और आने वाले टाइम में हम फ्यूचर क्या देखेंगे वो इन चार चीज़ में आपको बताता हूँ। जैसे रोड एयरवेज, इसमें हवा में भी गाड़ी चलेगी और एयर में भी चलेगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये फ्यूचर है हमारा। आने वाले 50 साल के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं। अभी इन सब पे काम होने लगा है, जापान, कोरिया, इन सब जगह पे शायद ये थोड़ा बहुत यूज़ होंगे। अभी तो ये टेस्टिंग पीरियड पे हैं तो इनको टेस्टिंग पीरियड भी 10-15 साल लगेंगे। आई फ्यूचर हम ऐसा देखेंगे कि अपने पास खुद की व्हीकल्स होंगी जो उड़ने वाली होगी। इनका रफ्तार क्या होगा? अभी रफ्तार के बारे में तो डिस्क्राइब नहीं है, बट हाइपर लूप एक आने वाली ट्रेन है कि ट्रेन है जो 700 मील पर आवर करेगी, मतलब 700 मील एक घंटे में पहुंचाएगी। 700 का मील मतलब 1100 समथिंग 25 किलोमीटर पर हाँ एक तरह से ट्रेन है वो, जो एक घंटे में आपको 1125 किलोमीटर तक दूरी तय कर देगी। और अरे जमीन पे नहीं चलेगी शायद, ऊपर ऐसे थोड़ा चलेगा? नहीं नहीं, वो जमीन हाँ थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा कि थोड़ा सा अर्थ से थोड़ा सा ऊपर रहेगी, शायद वो हो सकता है इन फ्यूचर। स्पेस टूरिज्म हमारे जैसे हम अभी स्पेस की तरह घूमने के लिए जाते हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब जगह पर हम घूमने जाते हैं। तो इन फ्यूचर हम स्पेस टूरिज्म भी जाएंगे, मतलब अपने अर्थ से बाहर निकल के उसे भी जाके एक्सपीरियंस करेंगे, घूमेंगे। इसमें ही हम ये समझाना चाह रहे हैं। और ये पोर्ट टैक्सी ये भी पोर्ट टैक्सी लाइक अ मेट्रो, ये छोटे छोटे स्टॉप पे रुकेगी, वो आपका समय बचाएगी और बस ट्रैक पे चलेंगी। बस ये पोर्ट टैक्सी वही काम करेगी। हमें इस फील्ड में ये बताना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय कैसे बचा सकें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। पहले हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत समय जाता था। बैलगाड़ी आप जानते हो कितना स्लो चलता है और अब कार्स आ गई, कार्स कितनी जल्दी चलती हैं। फिर उसके बाद ये हाइपर्स के ज़माने में आएंगे, हम हाइपर और तेज़ चलेंगी। हम एक एक घंटे में अपना 1100 प्लस किलोमीटर दूरी तय कर चुके होंगे निश्चित भाव में। कारण रवि जी थे से बुझाऊ के केमी आमर इवोल्यूशन हो धीरे धीरे आठ जी आम देखा तो ये राजा महाराजा जुग एवं सेतेबेले जे देखिबा ताहले घोड़ा गाड़ी लोक जावास करुले जिते बड़ धनी लोक हो था छोट छोट गाड़ी आसाला चक्र उद्भावन केमती थी या बुझा जाए ये कहीं बुझा जा जी भी ये विजिटर आसबे देखिबे से इच्छा रे भविष्य केमती रने गवेषणा करेंगे टेक्नोलॉजी से मनोनिवेश करेंगे जोद्वारा कौन हम ना अनेक संभावना सृष्टि हे देश आगे और नुआ नुआ टेक्नोलॉजी को आसवर संभावना रही। तो सही जो स्टॉल रही स्टॉल रो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही जी20 वर्क एग्जीबिशन रे।
भुवनेश्वर कैमरा पर्सन पतित बाबन सह दीतिकृष्ण पही न्यूज 7।